अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है चिकन चीज क्रोकेट्स। तो चलिए इसको कैसे बनाना है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में एक चम्मच मक्खन लेंगे और साथ में एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इसलिए डालेंगे ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच कूटा हुआ लहसुन, एक बड़ा चम्मच बारीक कटी अदरक वो शामिल करेंगे और सौते करेंगे। अब हम इसमें एक कप के करीब प्याज ऐड करेंगे, एक बड़ा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे और सौते करेंगे। चार बड़े चम्मच मैदे के ऐड करके इसको भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके एक कप के करीब दूध शामिल करेंगे और इसको पका लेंगे। जैसे ही ये पक जाएगा और दूध खुश्क हो जाएगा तो इसमें हम चूल्हा बंद करके एक कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे, डेढ़ कप के करीब उबली चिकन रेशा की हुई शामिल करेंगे, आधा कप हरा धनिया शामिल करेंगे, एक टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको ठंडा होने देना है। जैसे ही ये ठंडा होगा इसमें मोजरेला चीज ग्रेट किया हुआ एक कप के करीब वो शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, गीले हाथों के साथ इसकी शेप बनाएंगे। उसके बाद आपने सबसे पहले इसको अंडे में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। अब इस स्टेज पे आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं तकरीबन 1 माह के लिए, या आप इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है चिकन चंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ब्रेड का स्लाइस चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको चॉपर में डाल लें। साथ ही हम 1/4 कप दूध का ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने 350 ग्राम चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स ऐड कर लेने हैं। टिक्का मसाला जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। सूखा मिर्च पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। अदरक पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून। एक अंडा जाएगा और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इन सब चीजों को चॉपर में डालने के बाद अच्छा सा चिकन को चॉप कर लें। इसको हमने इतना चॉप करना है कि एक पेस्ट की तरह बन जाए। उसके बाद एक ग्रीस की हुई डिश में इस चिकन के मिक्सचर को निकाल लेंगे। कोई भी चम्मच लेंगे, उसको पहले पानी में डिप करेंगे और उससे चिकन के मिक्सचर को लेवल कर लेंगे। टाई तकरीबन 1/2 इंच से लेकर 1 इंच तक होनी चाहिए। अब हम 180 डिग्री सेल्सियस पर इसको बेक करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट। बेक करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे।
पीसीस में कट करेंगे। अब इस स्टेज पर आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं तकरीबन 1 मंथ के लिए, या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इस चिकन चंक्स के बहुत से यूजेस हैं जो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/2 kg के करीब आलूओं को बॉईल कर लें, छिलका उतार के कद्दूकश कर लें। अब तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर आप मक्खन लें, उसको मेल्ट करें। 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक शामिल कर लें, हल्का सा सौते करें। 1 कप पानी शामिल कर दें, साथ ही इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करें। बॉईल आने तक उसको पकाएं। उसके बाद 1 कप चावलों का आटा शामिल करें। चावलों का आटा शामिल करने के बाद इसको पका लें यहाँ तक कि उसका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद इसको ठंडा कर लें। इसमें मैश किए हुए आलू शामिल करें, 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करें, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल करें और इसको गूंद लें। जब ये अपनी शेप होल्ड कर ले तो इसका मतलब है ये तैयार है। अगर आपका मिक्सचर ड्राई है तो हल्का सा पानी का छींटा लगा के उसको तैयार कर लें, और अगर आपका मिक्सचर चिपचिपा है तो उसमें थोड़ा सा चावलों का आटा शामिल कर दें। अब आप इसकी शेप्स बना लें, शेप आप जैसी चाहें वैसी बना लें। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लें। आप इसको चाहें तो 1 हफ्ते तक के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।